हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार तुहाडे अपने चैनल 24/7 एजुकेशन हब के उत्ते स्वागत करता हाँ। हाँ जी, तो आई होप कि तुहानू जो पोलिटी के पिछले दो लैक्चर हैं बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तुहाडे व्यू देख के तुहाडे कमेंट देख के बहुत खुशी हुंदी है। तो आई होप कि तुहानू ए वी लैक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और तुसी इसनू बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर भी करोगे। हाँ जी, तो देखो अपना जो कल का टॉपिक सी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान दे बनन दी प्रक्रिया का फस्ट पार्ट आप कल कवर कर चुके हाँ। आज दे लैक्चर दे विच आपा सैकेंड पार्ट नू कवर करन जा रहे हाँ। हाँ जी, तो जो कल दे जो डाउट हैं तुसी कमेंट बॉक्स दे विच पूछ सकते हो। हाँ जी, तो मैं तुहाडे कमेंट पढ़ने की कोशिश करांगा। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हाँ अपना अज का लैक्चर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट टू यानी कि संविधान दे बनन दी प्रक्रिया दा भाग दो आपां अज डिस्कस करांगे। ठीक है जी, देखो एक चीज़ अपने दिमाग दे विच बिठा लेना कि जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन प्लान भारत कदों आया, तो 1946 दे विच आया, तुहानू सारयां नू पता है। इस तो बाद देखो उसकी रिकमेंडेशन दे उपर किसका गठन करया गया, तो संविधान सभा का गठन करया गया। और संविधान सभा का सब तो इंपोर्टेंट काम की सी, तो भारत के संविधान का निर्माण करना। इन्हां तक क्लीयर है सारयां नू? ठीक है जी, तो देखो संविधान सभा का जो मेन काम है वह तो संविधान का निर्माण करना है, बट उस दे नाल भी होर भी बहुत सारे काम सन जो संविधान सभा ने करे, जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं। हाँ जी, तो देखो इस दे जो काम हैं उसनु मैं पांच कैटेगरी दे विच डिवाइड करया है। हाँ जी, तो ये सारे ही MCQ क्वेश्चन की फॉर्म दे विच एग्जाम दे विच पूछे भी गए हैं। सब तो पहला काम देखते हाँ संविधान सभा का, तो सब तो पहला काम की सी अडोप्टेड नैशनल फ्लैग यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय झंडा सी जिसनों तिरंगा बोलिया जाता है इसनों की करया अडोप्ट करया। तो वेरी इंपोर्टेंट एक डेट हो जाती है, वो डेट केड़ी है जी, तो वह है 22 जुलाई 1947। तो अगर एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नैशनल फ्लैग है यानी कि भारत का जो तिरंगा है इसनों कदों अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 नू संविधान सभा के द्वारा नैशनल फ्लैग के रूप में अडोप्ट करया गया। इतों तक क्लीयर है जी सारयां नू? इस तो बाद देखो की होया अडोप्टेड नैशनल एंथम जो सैकेंड काम सी संविधान सभा का, राष्ट्रीय गान नू भी अपनाया गया। और कदों अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 नू अपनाया गया। ठीक है जी। हाँ जी, तो 24 जनवरी 1950 नू संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान नू अपनाया गया। तो राष्ट्रीय गान केड़ा है भारत का? हाँ जी, तो राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है जी, कई बार एग्जाम दे विच आंदा है कि इसकी जो बोलन की जो टाइमिंग है, टाइम कितना लगता है, तो 52 सैकेंड 52 सैकेंड लगते हैं। तो इस राष्ट्रीय गान नू किस राइटर ने लिखा, तो उसका नाम भी देख लेंगे हाँ, रविंद्र नाथ टैगोर जी ने लिखा। और एक चीज़ और इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम दे विच पूछा गया है कि भारत का सब तो पहला व्यक्ति जिसनों नोबल अवार्ड मिलिया। हाँ जी, नोबल अवार्ड के बारे भी आप पढ़ांगे, बट एक बार सिर्फ जस्ट तुसी यही देखना है क्योंकि आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे देख रहे हाँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर के उपर एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भारत का पहला व्यक्ति जिसनों नोबल अवार्ड मिलिया, तो उसका नाम की सी रविंद्रनाथ टैगोर, और केड़ी बुक दे लई मिलिया, ये भी इंपोर्टेंट है। तो बुक का नाम है गीतांजलि। हाँ जी, टाइमिंग भी देख सकते हो 1913 दे विच मिलिया, और फील्ड केड़ी सी, तो राइटर सी। हाँ जी, तो साहित्य दे विच मिलिया। ठीक है जी, इस तो बाद मूव करते हाँ तीसरे काम की ओर। तीसरा काम केड़ा करया? अडोप्टेड नैशनल सोंग यानी कि राष्ट्रीय गीत नू अपनाया गया। कदों अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 नू अपनाया गया। ठीक है जी। हाँ जी, तो राष्ट्रीय गीत की गल करते हाँ, तो भारत का राष्ट्रीय गीत केड़ा है जी? तो वंदे मातरम। ठीक है जी, वंदे मातरम का जो टाइमिंग है बोलन ते किन्ना समा लगता है, तो जो गीत है, गीत की जो टाइमिंग है अप्रोक्सीमेटली 66 सैकेंड, ये भी पूछा गया है एग्जाम के।
और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसनों किस राइटर द्वारा लिखा गया था उसका नाम है शॉर्ट फॉर्म दे विच लिखा है BCC मतलब कि बैंकिम चंद्र चैटर्जी। ठीक है जी, और एक बार एग्जाम दे विच ए भी क्वेश्चन पूछा गया सी कि बैंकिम चंद्र चैटर्जी की केड़ी बुक दे विचो वंदे मातरम नू लिखा गया है। तो देखो बैंकिम चंद्र चैटर्जी ने एक किताब लिखी सी जिसका नाम सी आनंद मठ, और आनंद मठ बुक दे विचो ही राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम नू लिखा गया है। ठीक है जी, संविधान सभा का जो चौथा काम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि पहला राष्ट्रपति चुनिया गया संविधान सभा के द्वारा, किसन चुनिया गया और कदों चुनिया गया, दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ा हैं। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट चुनिया गया डॉक्टर रजिंदर प्रसाद जी ने, और कदों चुनिया गया तो 24 जनवरी 1950। ठीक है जी, हाँ जी, तो तीनों डेट सेम हैं, ध्यान नाल देखना है। 24 जनवरी 1950 ही राष्ट्रीय गान अडोप्ट कराया गया, 24 जनवरी 1950 ही राष्ट्रीय गीत भी अडोप्ट कराया गया, और 24 जनवरी 1950 ही प्रेजीडेंट भी इलैक्ट कराया गया। ठीक है जी, एक चीज़ इतने और तुसी नोट डाउन करनी है, जो रजिंदर प्रसाद हैं कई बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन आता है कि सब तो ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति दी जो पोस्ट है उस पोस्ट दे उत्ते कौन अपॉइंट रहा, तो उसका नाम की है रजिंदर प्रसाद, लोंगेस्ट टेन्योर तो रजिंदर प्रसाद का ही है। ठीक है जी, इस तो बाद जो फिफ्थ वर्क है संविधान सभा का एक ही है, इंडिया नू पार्ट बनाया गया, किस चीज़ का पार्ट बनाया गया, तो कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट बनाया गया। हाँ जी, कदों पार्ट बनाया गया, तो मई 1949 दे विच पार्ट बनाया गया। हुण इत्थे देखो जी कॉमनवेल्थ नेशन की हुंदा है, तो जो कॉमनवेल्थ नेशन है देखो एक तरह का तुसी ऐदा देख सकते हो कि इस दे विच जो टोटल मैंबर हैं, टोटल मैंबर किन्ने हैं, 53 मैंबर हैं यानी कि 53, और इस दे विच जो 51 मैंबर हैं ओ मैंबर इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन या ब्रिटिश दे कदे ना कदे गुलाम रह चुके हैं। ठीक है जी, और उन्होंने भारत भी एक किसका मैंबर है। ठीक है जी, हाँ जी, इस तो बाद देखो आप अपने नैशनल फ्लैग के बारे भी कुछ इंपोर्टेंट डाटा देख लेंगे हाँ। कई बार एग्जाम के पूछा जाता है कि जो नैशनल फ्लैग है इसकी लेंथ और ब्रेथ की रेशो की है, तो अपना आंसर की होएगा लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। बट एग्जाम दे विच एग्जामिनर कई बार की बोलता है कि ब्रेथ एंड लेंथ का रेशो पूछा जाता है, तो अगर आप ब्रेथ एंड लेंथ की गल करते हाँ चौड़ाई और लंबाई, तो इसका रेशो की होएगा 2:3, बट एग्जामिनर की फर्स्ट ऑप्शन की होंगी है 3:2 पूछा की जाता है चौड़ाई और लंबाई का रेशो, बट फर्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट देखता है 3:2 तो उसनों ही टिक करता है। तो देखो जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम दे विच, पहले तुसी क्वेश्चन समझना है कि वो पूछ ही रहे हैं। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन दे विच डिफरेंस है। ठीक है जी, इस तो बाद देखो कई बार एग्जाम दे विच एक होर क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया का जो फ्लैग है इस दे विच एक चक्कर बनया होया है, इस चक्कर दे विच तीलियां दी गिनती पूछी जाती है यानी कि जो इस चक्कर दे अंदर स्पोक्स हैं तीलियां हैं। हाँ जी, तो किनिया तीलियां हैं, तो 24 तीलियां हैं यानी कि 24 तीलियां। ठीक है जी, इस तो बाद देखो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करया, बट देखो कई बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन आता है कि संविधान नू बनन दे विच कितना टाइम लग्या, तो आपां नू पता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है जी, हाँ जी, 2 साल 11 महीने 18 दिन तो लगे, बट एग्जाम दे विच पूछा जाएगा किन्ने सैशन दे विच कंप्लीट होया। देखो अलग अलग टाइम ते मीटिंगा होंदी रहियां, बहुत सारे सैशन होए, तो संविधान का निर्माण करन दे विच संविधान सभा ने टोटल 11 सैशन लगाए। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, और भारत का जो संविधान है अलग अलग देशों के संविधान तो अडोप्ट किया गया है, कुछ ना कुछ किसी देश के संविधान तो, जिदा आप पिछले लैक्चर दे विच देखिया सी जो फंडामेंटल राइट हैं मौलिक अधिकार वो आप USA के संविधान तो लेते हैं, सिटीजनशिप है जो वो इंग्लैंड के संविधान तो लेती है। तो इस तरह देखो अगर क्वेश्चन आए कि किन्ने देशों के संविधान के विचों कुछ ना कुछ असी अपने संविधान के विच ऐड करया है, तो अपना आंसर होएगा 60 देश।
और खर्चा भी आएगा तो संविधान बनाने जो टोटल खर्चा आया वो कितना आया 64 लाख रुपए। ठीक है जी। इस तो बाद देखो आपका टोटल 11 सैशन देखे हैं, 11 सैशन, बट कई बार फाइनल सैशन आखिरी सैशन पूछा जाता है, तो जो आखिरी सैशन है वो कदों होया था 24 जनवरी 1950, यानी कि जिस दिन प्रेजिडेंट नू इलेक्ट कर लिता गया, उस तो बाद कोई सैशन नहीं होया। उस तो बाद देखो फर्स्ट हुण देखो संविधान का निर्माण हो चुका है, उस तो बाद की होएगा इलेक्शन होएगा, तो जनरल इलेक्शन की अगर आप गल करते हाँ पहलियाँ आम चोणा कदों हुई तो 1951-52 दे विच हुई, क्योंकि देखो 1951 दे दिसंबर दे विच स्टार्ट हुई सी और 52 दे जनवरी और फरवरी तक चलिया, इसलिए ईयर जो आएगा अपने एग्जाम दे विच 1951-52 ही आएगा। ठीक है जी। इस तो बाद देखो एक चीज़ और इंपोर्टेंट है, संविधान सभा का जो काम सी देखो किसी संविधान का निर्माण करना, बट संविधान सभा नू अलग अलग पार्ट दे विच डिवाइड कराया गया इन द फॉर्म ऑफ कमेटी। ठीक है जी। तो देखो संविधान सभा के बहुत सारे काम सन, कुछ छोटे काम सन, कुछ वड्डे काम सन, तो उन्होंने अलग अलग कमेटियां दे विच डिवाइड कर दिता गया। तो हुण एक इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आप देखते हाँ, हाँ जी, अगर आप कमेटियां की गल करते हाँ तो संविधान सभा दियां कमेटियां नूं दो पार्ट दे विच डिवाइड किया गया, फर्स्ट सी मेजर कमेटी और सैकेंड सी माइनर कमेटी। देखो जी जो माइनर कमेटी है छोटे मोटे कामों के लिए जो कमेटियां बनाई गई उसनों माइनर कमेटियां बोलिया गया, जो टोटल 15 सन, और जो मेन काम सन इंपोर्टेंट कामों नूं करन दे लई मेजर कमेटियां बनाई गई जो किनिया सन टोटल 8 सन। हाँ जी। तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो जो मेन कमेटियां हैं वो केड़ियां हैं जी, वो मेजर कमेटियां हैं। ठीक है जी। तो आप सिर्फ मेजर कमेटियां ही पढ़ांगे, माइनर कमेटियां नहीं पढ़ांगे। तो सिर्फ टोटल 8 कमेटियां हैं जिन्हां दे तुसी नाम याद करने हैं। हाँ जी। तो तुहाडे सामने 8 कमेटियां हैं, बिल्कुल ईजी याद हो जाएगा, डोंट वरी, डरन की लोड़ नहीं है, जस्ट पेशेंस बना के रखो। ठीक है। पेशेंस दे विच ही की है तुहानू सब कुछ ईजली याद हो जाएगा। ठीक है जी। जल्दबाजी नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान नाल सुनना है तुसी। हाँ जी। तो 8 कमेटियां दी अगर आप गल करते हाँ तो देखो जो पहलियां 3 कमेटियां हैं इन 3 कमेटियां दा सिर्फ एक ही परसन चेयरमैन है। पहले कमेटियां देख लेंगे हाँ, सब तो पहली है यूनियन पावर कमेटी यानी कि संघ शक्ति कमेटी। ठीक है जी। उस तो बाद है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि संघ संविधान कमेटी। उस तो बाद है स्टेट कमेटी। ठीक है जी। तो देखो ईजली याद हो जाएगा, पहलियां 2 दे विच यूनियन लग्या होया है यानी कि संघ लग्या होया, और तीसरी दे विच की है स्टेट लग्या होया है। तो इन 3 कमेटियां दा जो बोल सकते हैं चेयरमैन सन उन्हां दा नाम सी जवाहर लाल नेहरू। ठीक है जी। जवाहर लाल नेहरू दियां 3 कमेटियां एक बार फिर रिकॉल करते हाँ, 2 दे सामने यूनियन लग्या है और 1 दे सामने स्टेट लग्या है। इस तो बाद देखो 4th और 5th 2 नंबर दियां जो कमेटियां हैं इन्हां दे जो चेयरमैन सन कौन सन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी ईजली याद हो जाएगा। देखो जी कमेटियां पहला देख लेंगे हाँ आप, प्रोविंशियल कमेटी जिसनों की बोलिया जाता है, प्रांत कमेटी बोलिया जाता है, और सैकेंड है एडवाइजरी कमेटी जिसनों सलाहकारी कमेटी भी बोलिया जाता है। ठीक है जी। इस तो बाद देखो जो 6 नंबर कमेटी है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इसनों आप अलग तो भी डिस्कस करांगे, जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, पंजाबी दे विच इसनों परूप कमेटी भी बोलिया जाता है। तो इस दे जो चेयरमैन बनाए गए, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट परसन, तो इन्हों का नाम की सी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। ठीक है जी। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर नु किस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो अपना आंसर होएगा ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि परूप कमेटी। इस तो बाद देखो 7 नंबर और 8 नंबर दियां जो कमेटियां हैं इन्हां नु याद करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होएगा। तो देखो अगर आप संविधान सभा की गल करते हाँ तो संविधान सभा का प्रेजिडेंट किसनों बनाया गया, तो सारे नु पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नु बनाया गया, और जो प्रधान हुंदा है प्रेजिडेंट हुंदा है तुहानू सारे नु पता है मेनली रूल उसका ही चलता है। ठीक है जी। रूल वही करेगा, और
एक एग्जाम्पल के थ्रू जिदा एक आप एक कमेटी में एक कार मान लेंगे हाँ, तो कार की जो स्टेयरिंग वाली सीट पर कौन बैठेगा, तो जो प्रधान होएगा प्रेजीडेंट और कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। तो इतों ईजी हो जाएगा, देखो रोल कौन करेगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करेगा, यानी कि प्रेजीडेंट करेगा और स्टेयरिंग। हाँ जी, तो ईजली याद हो जाएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तुसी याद रखना है। हाँ जी, तो इस तो बाद देखो आप मूव करांगे अपनी सब तो इंपोर्टेंट कमेटी की ओर, जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखो हुण आपां डिस्कस करन जा रहे हाँ ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रूफ कमेटी। तो टोटल कमेटियां दे विच्चों जो सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट कमेटी है उसका नाम की है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है जी, तो इस दे बारे आपां फुल एंड फाइनल डिस्कस करांगे, क्योंकि इत्थों बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं। तो देखो सब तो पहले आपां गल करते हाँ स्थापना की, तो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो स्थापना सी कदों हुई, 29 अगस्त 1947 नूं होई। ठीक है जी, इस तो बाद देखो एग्जाम दे विच पूछा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रूफ कमेटी के टोटल मैंबर किन्ने सन, तो टोटल मैंबर सन 7। देखो जी इस दे विच एक चेयरमैन हुंदा है और 6 की सन मैंबर सन, तो टोटल मैंबर किन्ने सन, तो टोटल 7 सन। तो चेयरमैन की अगर आप गल करते हाँ ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसनूं बनाया गया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी नूं बनाया गया। ठीक है जी, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी बारे दो चीज़ा आप पढ़ चुके हाँ अपने पिछले लैक्चर दे विच, भारत दे संविधान का पिता किसनूं बोलिया जाता है, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी नूं बोलिया जाता है, और भारत दे पहले कानून मंत्री भी किसनूं बनाया गया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी नूं बनाया गया। और थर्ड क्वेश्चन डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी तो, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी कौन सन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। हाँ जी, इस तो बाद देखो हाँ जी जो 6 मैंबर है, 6 मैंबर नूं आपां एक ट्रिक दे नाल याद करांगे, बट उस तो पहले थोड़ा जिहा जो इंपोर्टेंट डाटा है पहले आपां उसनूं गो थ्रू हो जांदे हां उस डाटे तो। देखो जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी का कम की हुंदा है, ड्राफ्टिंग कमेटी का कम हुंदा है लिखना, यानी कि संविधान नूं एक फ्रेम दे विच जोड़ना या फिर संविधान नूं एक वधिया तरीके दे नाल लिखना, किसका काम सी ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो कई बार एग्जाम दे विच पूछा जाता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना सब तो पहला ड्राफ्ट तैयार करिया, प्रूफ तैयार करिया कदों करिया, तो अपना आंसर होएगा फेब 1948 दे विच। ठीक है जी, इस तो बाद देखो ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा जदों पूरे ड्राफ्ट तैयार हो गए हाँ जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार कदों होया, तो कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट करिया आपां 26 नवंबर 1949। ठीक है जी, तो सिर्फ बन के तैयार होया है, लागू नहीं होया है, इस चीज़ नूं ध्यान दे विच रखना है। ठीक है जी, तो जदों अपना संविधान बन के तैयार हो जाता है तो इस दे विच की हुंदा है, तो इस दे विच 22 भाग हुंदे हन जिन्हां नूं पार्ट बोलिया जाता है, 8 अनुसूचियां सन और अनुच्छेद किन्ने सन, 365। ठीक है जी, बट बाद दे विच कुछ अमेंडमेंट दे थ्रू टोटल जो अनुसूचियां हन किनियां हो चुकियां हन, 12 हो चुकियां हन, यानी कि शेड्यूल किन्ने हन 12, और आर्टिकल किन्ने हो चुके हन 465 प्लस आर्टिकल हो चुके हन। बट अगर एग्जाम दे विच क्वेश्चन आता है कि 26 नवंबर 1949 जदों संविधान बन के तैयार होया तो उस दे विच भाग किन्ने सन, यानी कि पार्ट 22, अनुसूचियां किनिया सन 8 और अनुच्छेद किन्ने सन 395। ठीक है जी, हाँ जी, तो देखो 26 नवंबर 1949 नूं संविधान बन के तैयार होया बट लागू नहीं होया, बट कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं जिन्हों की जरूरत सी जो 26 नवंबर नूं ही लागू करने पे। तो एग्जाम दे विच क्वेश्चन आता है कि 26 नवंबर नूं संविधान दे केड़े केड़े अनुच्छेद नूं लागू कराया गया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद आप करते हैं हाँ जी, तो 5, 6, 7, 8 और 9 जो ये 5 शेड्यूल हैं ये किस दे नाल डील करते हैं, तो नागरिकता दे बारे दसते हैं यानी कि सिटीजनशिप दे नाल डील करते हैं। उस तो बाद जो आर्टिकल नंबर 60 है, देखो 60 दे विच की है, तो जो भी राष्ट्रपति हुंदा है जो उसनु ओथ दिलवाई जाती है, उसनु सौं चुकाई जाती है, उस दे बारे डील करता है। ठीक है, 324 नंबर जो आर्टिकल है, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, तो ये इलेक्शन कमीशन दे नाल डील करता है। हाँ जी, तो ये कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल सन जो 26 नवंबर 1949 ही लागू कर दिते गए,
और जो रिमेनिंग पार्ट बचिया यानी कि बाकी का पार्ट बचिया उसको कदों लागू कराया गया तो अपना आंसर होएगा 26 जनवरी 1950। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। 26 नवंबर 1949 नूं सिर्फ संविधान बन के तैयार होया सी बट लागू कदों होया तो 26 जनवरी 1950। तो इन्ना टाइम क्यों रुके पाया गया? देखो संविधान बन के तैयार हो चुका है, इस दिन ही संविधान नूं लागू क्यों नहीं कराया गया? तो देखो इसका एक रीज़न है, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है इस दिन की, एक इतिहासिक महत्ता है। देखो इतों भी क्वेश्चन आते हैं, आप इसनों भी देख लेंगे हाँ। तो हिस्टोरिकल इंपोर्टेंट की है? तो 26 जनवरी 1950, तो देखो 26 जनवरी का जो दिन है इसनों आप देखते हाँ। हाँ जी, तो 1929 दे विच की हुंदा है, इंडियन नैशनल कांग्रेस का एक सैशन चल रहा हुंदा है। ये सैशन कित्थे हुंदा है? तो लाहौर दे विच हुंदा है। और इसके चेयरमैन कौन हुंदे हन? तो जवाहर लाल नहरू जी इसके चेयरमैन हुंदे हन। और इत्थे इन्होंने एक डिसीजन लिता, की डिसीजन लिता? तो पूर्ण स्वराज की डिमांड करी। ठीक है जी, पूर्ण स्वराज की डिमांड। देखो पूर्ण स्वराज की डिमांड तो बाद की होया इन्होंने की करया, 26 जनवरी 1930 एक दिवस सैलीब्रेट किया जिसनु की नाम दिता गया, पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। इसलिए की करया गया, 26 नवंबर 1949 संविधान बन के तैयार तो हो चुका सी बट उसनु लागू कदों करया? 26 जनवरी 1950 ही लागू करया गया। तो हुण तुहाडे सामने जो 6 मैंबर है इन्हों याद करन दी एक छोटी जी ट्रिक है, तुहानू बिल्कुल ईजली याद हो जाएगा। देखो अपनी ट्रिक की है। हाँ जी, तो अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत में। ठीक है जी, तो 6 मैंबर हैं और एक चेयरमैन हैं, तो अंबेडकर तो की हो जाएगा? भीम राव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है जी, आए आए तो की हो जाएगा? एन जी अयंगर हो जाएगा। मित्र तो अगर आप गल करिए मित्र तो की होएगा? बी एल मित्र हो जाएगा। मुंशी 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 तो की बनेगा जी? के एम मुंशी हो जाएगा। कृष्णा तो देखो कृष्णा तो की याद करांगे? कृष्णा स्वामी अयर याद करांगे। उस तो बाद है देखो जी के साइलेंट है, साथ साथ तो गल करिए साथ यानी कि सैयद मोहम्मद सैदुल्ला हो जाएगा जी। इस तो बाद देखो जो खेत है, खेत तो आप किस याद करांगे? डी पी खेतान नू याद करांगे। ठीक है जी, एक बार फिर आप रिपीट करते हाँ। देखो अपनी ट्रिक की है जी, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत में। ठीक है जी, हाँ जी, तो तुसी इसनु एक बार और देख लेना, एक दो बार रिपीट करोगे तो ईजली याद हो जाएगा। बट देखो ये तो क्वेश्चन की पुट हुंदा है। देखो टोटल 7 परसन हैं जिन्हों के एक चेयरमैन हैं और बाकी 6 की हैं मैंबर हैं। तो एग्जाम दे विच देखो दो जो ये कमेटी सी ड्राफ्टिंग कमेटी इस दे विच दो चेंजस करे गए। देखो चेंजस की करे गए, जो बी एल मित्तल सन, देखो जदों ड्राफ्टिंग कमेटी बनी तो उसके मैंबर सन बी एल मित्तल, बट इन्हों की है हैल्थ इल हैल्थ यानी कि सेहत खराब होने के कारण इन्हों रिप्लेस कर दिता गया। किस परसन के नाल? एन माधव राव। तो एन माधव राव किस की जगह पर आए एग्जाम दे विच पूछा जाता है? तो बी एल मित्तल की जगह पर। उस तो बाद देखो एक परसन सन डी पी खेतान जिसनों आप खेत तो याद करें, खेत तो की बनेगा? डी पी खेतान बनेगा। तो इन्हों की है डैथ हो जाती है जिस करके की है टी कृष्णमचारी इन्हों की जगह पर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो अपनी अज की वीडियो दे विच अगर तुहानू कोई भी डाउट है तो तुसी कमेंट सैक्शन दे विच पूछ सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी, तो इस तो बाद आपा पॉलिटी दे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करांगे और उन्होंने रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट डाटा होएगा वो भी तुहानू करवाया जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन होणगे तुहाडे लई बहुत ज़्यादा यूजफुल होणगे। हाँ जी, तो पहला जो सवाल है वो तुहाडी स्क्रीन दे उपर है। हाँ जी, तो ध्यान नाल देखो इस सवाल नू। देखो जो अपना फस्ट क्वेश्चन है, फस्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति नू सौं किस द्वारा दवाई जाती है, यानी कि जो ओथ है राष्ट्रपति नू ओथ किस दे द्वारा दवाई जाती है? तो अपनिया ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है जो गवर्नर है, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखो राष्ट्रपति नू अगर आप ओथ की गल करते हाँ तो ओथ किस दे द्वारा दवाई जाती है? तो देखो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हुण देखो ध्यान नाल देखना है स्टूडेंट,
जो प्रेजीडेंट है, प्रेजीडेंट नूं जो ओथ है किसके द्वारा दवाई जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर क्वेश्चन आए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं ओथ कौन दवांदा है, तो अपना आंसर होएगा प्रेजीडेंट। ठीक है, वाइस वर्सा हुंदा है। देखो प्रेजीडेंट नूं जो सौं है कौन चुकाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस नूं जो सौं है यानी कि ओथ है वो कौन चुकाएगा, प्रेजीडेंट। हाँ जी, तो देखो अगर आप गल करते हाँ रेजिग्नेशन की, रेजिग्नेशन यानी कि त्याग पत्र, तो जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र किसनों देगा जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो अपना त्याग पत्र देगा वाइस प्रेजीडेंट नूं। और वाइस प्रेजीडेंट अपना त्याग पत्र किसनों देगा, तो अपना आंसर की होएगा प्रेजीडेंट। देखो चार क्वेश्चन हो चुके हैं, ध्यान नाल समझना है। प्रेजीडेंट नूं जो ओथ दिलवाई जाती है, ओथ का मतलब की हुंदा है, कसम हुंदा है। हाँ जी, तो जो ओहदे दी जो कसम है प्रेजीडेंट नूं चीफ जस्टिस द्वारा दवाई जाती है, और चीफ जस्टिस नूं जो ओथ है वो प्रेजीडेंट द्वारा दवाई जाती है। बट जो प्रेजीडेंट है अपना रेजिग्नेशन यानी कि त्याग पत्र किसनों देगा, तो वाइस प्रेजीडेंट नूं देगा। और वाइस प्रेजीडेंट अपना त्याग पत्र किसनों देगा जी, तो ये प्रेजीडेंट नूं देगा। ठीक है जी, इतों तक तुहानूं समझ आ चुकिया होएगा। हाँ जी, इस तो बाद अगर आप गल करते हाँ तो जो अपना फस्ट प्रेजीडेंट है, हाँ जी, तो कई बार एग्जाम दे विच पूछा जाता है फस्ट प्रेजीडेंट, तो फस्ट प्रेजीडेंट आप बहुत बार कर चुके हाँ, तो डॉक्टर रजिंदर प्रसाद। हाँ जी, तो डॉक्टर रजिंदर प्रसाद कौन सन, अपने पहले प्रेजीडेंट सन। और अगर आप गल करते हाँ करंट दे विच, हाँ जी, तो करंट दे विच जो अपने प्रेजीडेंट हैं उन्होंने नाम की है, तो उन्होंने नाम है रामनाथ कोविंद। हाँ जी, तो रामनाथ कोविंद के बारे तुसी न्यूज़ दे विच काफ़ी पढ़िया होएगा। हाँ जी, उस तो बाद अगर आप गल करते हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो एग्जाम दे विच बहुत बार पूछा जाता है कि जो फस्ट चीफ जस्टिस हैं कौन सन, चीफ जस्टिस का मतलब की होंदा है। देखो जी, अपने दिल्ली दे विच जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज होंदा है उसनों की बोलिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलिया जाता है। तो भारत का जो सब तो पहला चीफ जस्टिस सी उसका नाम सी एच जे कानिया। की नाम सीगा जी, एच जे कानिया। और जो हुन एट प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस चल रहे हैं जी, उन्हों का नाम देख लेंगे हाँ, तो उन्हों का नाम है करंट वाले देखते हैं जी, एस ए बोबले। की नाम है जी, एस ए बोडले। ठीक है जी, हाँ जी, इस तो बाद अगर आप वाइस प्रेजीडेंट की गल करिए, तो अगर आप फस्ट वाइस प्रेजीडेंट की गल करते हाँ तो बहुत इंपोर्टेंट परसन हैं। हाँ जी, तो इन्हों का नाम की है जी, इन्हों का नाम है एस राधा कृष्ण। हाँ जी, इन्हों का पूरा नाम की है जी, तो पूरा नाम है सर्वपल्ली राधा कृष्ण। इंपोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि इन्हों जो जन्म दिवस है उन्हें उस डे एक इंपोर्टेंट डे सैलीब्रेट किया जाता है। देखो इन्हों का जो जन्मदिन है कदों होंदा है, 5 सितंबर होंदा है। और 5 सितंबर असी केड़ा दिन सैलीब्रेट करते हाँ, तो टीचर्स डे। हाँ जी, तो थोड़े दिन पहला ही टीचर्स डे, तुसी सब ने मैसेज भी करे होंगे अपने टीचर्स नूं। ठीक है जी, तो टीचर्स डे कदों होंदा है, 5 सितंबर नूं होंदा है। ठीक है जी, और 5 सितंबर नूं किस दे जन्म दिवस ते ये आपां दिन सैलीब्रेट करते हाँ, तो अपने फस्ट वाइस प्रेजीडेंट एस राधा कृष्ण के नाम ते। ठीक है जी, अगर आप गल करते हाँ अपने करंट दे विच जो वाइस प्रेजीडेंट हैं, हाँ जी, तो ये कौन हैं जी, हाँ जी, तो ये हैं वेंकैया नायडू। की नाम है जी, वेंकैया नायडू। तो 6 परसन के नाम थोड़े टिप्स से होने चाहिए हैं। फस्ट प्रेजीडेंट रजिंदर प्रसाद, एट प्रजेंट कौन हैं रामनाथ कोविंद, पहले जो चीफ जस्टिस हैं भारत के उन्होंने नाम की सी एच जे कनिया, और एट प्रजेंट कौन हैं, तो एट प्रजेंट हैं एस ए बोबले हैं। हाँ जी, तो फस्ट वाइस प्रेजीडेंट कौन सन, तो एस राधा कृष्ण सन। और एट प्रजेंट कौन हैं, तो वेंकैया नायडू हैं। हाँ जी, मूव करते हैं अपने नैक्सट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्लाइड के उपर है, ध्यान नाल देखना है इस क्वेश्चन। हाँ जी,
अपना क्वेश्चन है, भारत के संविधान विच किन्ने मौलिक अधिकार दिते गए हैं? हाँ जी, तो इस दिया जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 11। हाँ जी, ध्यान नाल देखना है। हाँ जी, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 6। देखो, मौलिक अधिकार जिसनों इंग्लिश दे विच आपां फंडामेंटल राइट बोलते हाँ, सब तो पहला क्वेश्चन जो फंडामेंटल राइट हैं आपां किस देश दे संविधान तो लिते हैं, तो अपना आंसर की होएगा USA दे संविधान तो। ठीक है जी। हाँ जी, तो फंडामेंटल जो हैं अपने संविधान, देखो आपां करिया सी टोटल किन्ने पार्ट हैं जी, तो टोटल 22 पार्ट हैं। ठीक है, और टोटल शड्यूल किन्ने हैं, तो शड्यूल एट प्रजेंट 12 हैं। तो किस पार्ट के फंडामेंटल राइट हैं एग्जाम के पूछा जाता है? हाँ जी, तो पार्ट नंबर 3 डील विद फंडामेंटल राइट। और उस तो बाद अगर आप आर्टिकल की गल करते हाँ, किस आर्टिकल तो किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट का जिक्र कराया गया है, तो आर्टिकल नंबर 12 तो लैके आर्टिकल नंबर 35 तक अपने संविधान के किसका जिक्र कराया गया है, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों का। तो देखो, जदों अपना संविधान बनया सी तो उस टाइम की सी 7 फंडामेंटल राइट सानू दिते गए सन, जिस दे विचों एक फंडामेंटल राइट नू माइनस कर दिता गया यानी कि उसनू मौलिक अधिकारों की सूची दे विचों हटा लिया गया। और अगर गल करते हाँ हूँ अपने फंडामेंटल राइट किन्ने हैं, तो टोटल फंडामेंटल राइट हैं 6। हूँ देखो इतों केड़ा केड़ा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा। सब तो पहली चीज़, केड़ा फंडामेंटल राइट है जिसनों हुण फंडामेंटल राइट नहीं कहा जाता, तो उसका नाम से राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ जी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार सी इसनों की कराया गया, जो अपने फंडामेंटल राइट हैं इन्हां दे विच्चों इसनों बाहर कर दिता गया और हुण इसनों की बना दिता गया, लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार बना दिता गया। कदों बनाया गया? तो देखो की हुंदा है, जदों भी संविधान दे विच्चों कोई चीज़ नूं डिलीट करना हुंदा है या फिर उसनों ऐड करना हुंदा है, तो एक प्रोसैस हुंदा है जिसनों की बोलिया जाता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। हाँ जी, तो इसनों लिख लेना अमेंडमेंट। अमेंडमेंट नूं की बोलिया जाता है? संशोधन बोलिया जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, तो हुण क्वेश्चन की आएगा, किहड़े संशोधन दे राही राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति दे अधिकार नूं लीगल राइट बनाया गया? तो अपना आंसर की होएगा जी 44th यानी कि 44 नंबर दी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो संविधानिक सोध हुई उस दे विच की कराया गया, इसनों फंडामेंटल राइट की कैटेगरी दे विचों हटा दिता गया। और ये जो 44वीं सोध हुई कदों हुई? तो 1978 दे विच हुई। एक चीज़ होर, जदों राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट सी, तो जो इसका आर्टिकल सी आर्टिकल किन्ना सी 31, और हुण की है इसनों फंडामेंटल राइट तो की कर दिता गया है लीगल राइट का, इसका जो हुण आर्टिकल है वह किन्ना है 300A। ठीक है जी, तो इस दे विच इन्ना ही। मूव करते हैं अपने नैक्सट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन पर है। हाँ जी, तो कमेंट बॉक्स के जिन्हें भी क्वेश्चन हैं तुसी इन सारे दे आंसर करने हैं। ठीक है जी, हाँ जी, तो जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है राष्ट्रपति किहड़े अनुच्छेद की वरतों करके राष्ट्रीय आपातकाल का राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है? हाँ जी, तो इस दियां जो ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है 350, बी ऑप्शन है 352, सी ऑप्शन है 356 और डी ऑप्शन है 360। हाँ जी, तो जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 352। हुण ध्यान नाल देखना है, देखो नैशनल एमरजेंसी जिसनों की बोलिया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल बोलिया जाता है। सब तो पहला देखो तीन आर्टिकल तुसी याद रखने हैं, 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360।
देखो इन्हों आप अपने कमिंग वीडियो लैक्चर के पूरा डीपली डिस्कस करांगे, बट एक बार इसका उपरों उपरों तुसी ओवरव्यू ले लो। तो देखो 352 की अगर गल करते हाँ तो राष्ट्रपति केड़ी एमरजेंसी लगा सकते हैं, तो नैशनल एमरजेंसी जिसनों की बोलिया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है जी। इस तो बाद देखो अगर आप गल करते हाँ आर्टिकल नंबर 356, तो आर्टिकल 356 दे विच की है जी, तो इत्थे की केड़ा रूल लागू होएगा, तो राष्ट्रपति रूल। एग्जाम दे विच कई बार पूछा जाता है राष्ट्रपति रूल, राष्ट्रपति केड़े आर्टिकल दे थ्रू लगा सकता है, तो आर्टिकल नंबर 356। उस तो बाद जो आर्टिकल नंबर 360 है, इस दे विच केड़ा आपातकाल लगेगा, तो वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल एमरजेंसी। हाँ जी, 352 नैशनल एमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी। हुण देखो इंपोर्टेंट पॉइंट, देखो कई बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल हुण तक किन्नी बार लग चुकिया है, तो अपना आंसर की होएगा 3 बार लग चुकिया है। कदों कदों लग्या, तो देखो सब तो पहले 1962 दे विच लग्या, फिर 1965 दे विच लग्या, दैन 1975 दे विच लग्या। हुण कंडीशन देख लेंदे हाँ, 1962 दे विच की होया, तो इंडिया और चाइना दे विच वोर होया। 1965 दे विच की होया जी, तो इंडिया और पाकिस्तान दे विच वोर होया। और 1975 दे विच देखो कोई भी वोर नहीं हुई, सिर्फ इंडिया दे अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस हुई, यानी कि अंदरूनी डिस्टरबेंस बोल सकते हाँ। तो ये वाली एमरजेंसी खास करके पूछी जाती है किस प्राइम मिनिस्टर दे टाइम लगी, तो अपना आंसर की होएगा इंदिरा गांधी। हाँ जी, तो एग्जाम दे विच बहुत बार पूछा गया है कि जो 1975 दी जो एमरजेंसी है किस प्राइम मिनिस्टर दे टाइम लगी, तो अपना आंसर होएगा इंदिरा गांधी, ठीक है जी। इस तो बाद मूव करते हाँ नैक्सट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अपना क्वेश्चन नंबर 4th है जी, राष्ट्रपति राज सभा विच किन्ने मेंबर मनोनीत यानी कि नॉमीनेट कर सकता है जी। ऑप्शन तुहाडे सामने है, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 10। हाँ जी, राज्यसभा दे विच पूछा गया है राष्ट्रपति किन्ने मेंबर नॉमीनेट करेगा जी, तो अपना आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए 12 मेंबर। हुण देखो राज्यसभा और लोकसभा दे बारे थोड़ा बहुत आप जान लेंदे हाँ। अगर आप लोकसभा की गल करते हाँ, तो लोकसभा दे विच टोटल मेंबर किन्ने हो सकते हैं जी, तो 250 हो सकते हैं, बट एट प्रजेंट किन्ने मेंबर हैं जी, तो 245। इस तो बाद लोकसभा की गल करिए, टोटल मैंबर हो सकते हैं 552, बट हुण किन्ने मैंबर हैं जी, तो 545 मैंबर हैं। हाँ जी, तो अपना क्वेश्चन की सी कि राज्यसभा दे विच किन्ने मैंबर नॉमीनेट किए जा सकते हैं, तो 12% नॉमीनेट करे जाते हैं, किस दे द्वारा, तो प्रेजीडेंट के द्वारा। उस तरह ही लोकसभा दे विच किन्ने मैंबर नॉमीनेट किए जाते हैं जी, तो 2 मैंबर, और ये मैंबर किहड़े हुंदे हन, तो एंग्लो इंडियन। जो आप लोकसभा का कंसैप्ट देखांगे तो फुल एंड डेप्थ दे विच जावांगे। नैक्सट अते अपना लास्ट क्वेश्चन है जो भारत का राष्ट्रपति बनन दे लई घट तो घट उम्र किन्नी होनी चाहिदी है। ऑप्शन ए तुहाडे सामने है 35 साल, ऑप्शन बी है 30 साल, ऑप्शन सी है 25 साल और ऑप्शन डी है 18 साल। हाँ जी, तो कमेंट बॉक्स के विच आंसर जरूर देना है। हाँ जी, तो घटो घट जो उम्र है किन्नी होनी चाहिदी है। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 35 साल। हुण ध्यान नाल देखना है जी, देखो जो एज का जो फैक्टर है, देखो अगर आप गल करते हाँ 35 साल एज, 30 साल और 25 साल, देखो ये 3 एज ही तुसी याद रखनिया है। देखो जो 35 है जो अपना प्रेसिडेंट है, इस तो बाद वाइस प्रेसिडेंट और इस तो बाद गवर्नर। हाँ जी, तो जो इन्हां दी एज होंदी है घट तो घट एज किन्नी होनी चाहिए है 35 साल। जो राज्यसभा है जिसका आर्टिकल नंबर किन्ना है जी 80,
इसकी एज घट तो घट की होनी चाहिए है 30 साल एज होनी चाहिए है राज्यसभा का मैंबर बनने लई। और अगर आप गल करते हाँ लोक सभा का मैंबर, उस तो बाद प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी तो इन्हों का जो मैंबर होएगा लोक सभा का और जो प्राइम मिनिस्टर होएगा या फिर जो MLA होंदा है, हाँ जी तो लोक सभा का मैंबर प्राइम मिनिस्टर MLA बनने के लिए घट तो घट उम्र कितनी होनी चाहिए है जी तो 25 साल होनी चाहिए है। हुण ध्यान दे नाल सुनना है, कई बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर यानी कि सब तो घट उम्र दे विच जो प्रधानमंत्री बनया तो उसका नाम की सी, तो उसका नाम सी राजीव गांधी। हाँ जी कितनी एज दे विच प्रधानमंत्री बनया तो अपना आंसर होएगा 40 साल की उम्र विच। और अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट परसन सब तो ज़्यादा उम्र दे विच प्राइम मिनिस्टर बनने वाला व्यक्ति तो उसका नाम है मुरारजी देसाई। हाँ जी की नाम है जी, तो उसका नाम है मुरारजी देसाई। तो इन्हों की उम्र कितनी सी जो ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो इन्हों की उम्र सी 81 ईयर, 81 साल की उम्र सी। हाँ जी तो देखो इतों एक होर क्वेश्चन आता है। हाँ जी तो अपने जो मुरारजी देसाई हैं इन्हों तो एक क्वेश्चन की बनेगा कि पहले गैर कांग्रसी प्रधानमंत्री जो बने उन्होंने नाम की सी, तो उन्होंने नाम भी की सी मुरारजी देसाई ही सी। ठीक है जी, तो यही परसन सी जो पहले गैर कांग्रसी प्रधानमंत्री बने। तो अपने अज के वीडियो लैक्चर के सिर्फ इन्ना ही आस करता हाँ कि तू सारा समझ आया होएगा, बट अगर तुहाडे कुछ भी डाउट हैं तो तुसी कमेंट सैक्शन के कमेंट जरूर करना।